Morning everyone. Today we will start next topic of haloalkanes and haloarenes. In last videos we came to know about the mechanism of SN1 and SN2 types of reaction, and today we will just compare SN1 and SN2 mechanism, and we can say it is just revision video. तो यहाँ पर SN1 एंड SN2 को हम कंपेयर करते हुए एक बार रिवाइज करते हैं. SN1 मींस यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, व्हाइल द SN2 मींस बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. यूनिमॉलिक्यूलर इट्स मीन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द वन मॉलिक्यूल एंड दिस इज सबस्ट्रेट, एंड सबस्ट्रेट इन दिस रिएक्शन दिस इज एल्काइल हैलाइड. तो हम यहाँ कह सकते हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में रेट डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड. तो रेट विल डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इट मीन्स Rx. वाइल इन केस ऑफ SN2 मीन्स बाय मॉलिक्यूलर, और इन दिस केस रेट विल डिपेंड अपॉन द बोथ मॉलिक्यूल, इट्स मीन्स सबस्ट्रेट एंड द न्यूक्लियोफाइल. तो रेट डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल. इट मीन्स इन केस ऑफ SN1 आई कैन राइट रेट डिपेंड ओनली ऑन द सबस्ट्रेट, वाइल इन केस ऑफ SN2 रेट डिपेंड ऑन बोथ सबस्ट्रेट एंड द न्यूक्लियोफाइल. तो SN1 के केस में मॉलिक्यूलैरिटी 1 होती है और ऑर्डर भी 1, जबकि SN2 के केस में मॉलिक्यूलैरिटी 2 एंड ऑर्डर विल ऑल्सो बी 2. अब बात करते हैं सॉल्वेंट की. इन केस ऑफ SN1 टाइप ऑफ मैकेनिज्म सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया गया. मैंने आपको बताया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड बिकॉज इट स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट. तो SN1 टाइप ऑफ मैकेनिज्म में सॉल्वेंट यूज है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाइल SN2 टाइप में सॉल्वेंट यूज इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जस्ट लाइक वी कैन से एग्जाम्पल एसीटोन. अब SN1 टाइप ऑफ मैकेनिज्म इट इज़ 2-step प्रोसेस, वाइल द SN2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म इट इज़ ओनली 1-step प्रोसेस. आई थिंक रिकॉल हो रहा होगा, याद आ रहा होगा. अब यहाँ पर 2-step प्रोसेस है. 2-step में से फर्स्ट स्टेप स्लो है और वही RDS है, मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. SN1 के केस में फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड इट इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनते हैं और उन कार्बोकैटायन पर फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं. इट इज़ सेकेंड स्टेप एंड फास्ट स्टेप. जबकि SN2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म में सिंगल स्टेप होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साथ साथ होंगे, और ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन पेंटावेलेंट है, इट्स मीन इट इज अनस्टेबल. तो स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट मैकेनिज्म देखते हैं. SN1 टाइप ऑफ मैकेनिज्म के लिए हमने क्या किया था, इस टाइप से सबस्ट्रेट gives out carbocation intermediate by the breaking of this bond. अब यहाँ पर जो carbocation intermediate बन रहा है, देखिए द सबस्ट्रेट, इन दिस सबस्ट्रेट कार्बन इज sp3 hybridized, while in this substrate carbon is sp2 hybridized. यहाँ पर tetrahedral geometry से trigonal planar geometry में convert हो रहा है. अब trigonal planar हमें पता है एक planar geometry है. अब planar geometry पर जो nucleophile का attack होगा, it can be take place from front side or back side. It means अब next step जो आता है, this one is fast step, जिसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा. न्यूक्लियोफाइल का एन अटैक फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम फ्रंट एंड फ्रॉम बैक. तो हमें टू फॉर्म्स मिलती हैं, एंड दीज टू फॉर्म्स आर लाइक दिस, फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज अनदर फॉर्म. ओके, इट वॉज द SN1 टाइप ऑफ मैकेनिज्म. फर्स्ट स्टेप इज स्लो, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सेकेंड स्टेप इज फास्ट. अगेन लुक एट दिस, इन फर्स्ट स्टेप एल्काइल हैलाइड मीन्स सबस्ट्रेट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इंटरमीडिएट के केस में कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, फाइनली प्रोडक्ट का कार्बन फर्दर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. ओके, नाउ SN2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म. यहाँ पर क्या हो रहा है SN2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म में, SN2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म डिपेंड ऑन बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल. एंड आई टेल यू दैट न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द बैक साइड. व्हाई? अब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और न्यूक्लियोफाइल और हैलाइड बोथ आर नेगेटिवली चार्ज, इट्स मीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से. तो बैक साइड से अटैक करने पर दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड विल फॉर्म. तो कार्बन की वैलेंसी अब हो जाती है 5, कुछ कंडीशन इस तरह से. दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट.
and transition state, it is unstable. Finally, what will happen? This bond will break down and product will form. Product is this one. तो ये था SN2 type of mechanism. This one is SN1 and this one is SN2 type of mechanism. Okay, now next reactivity order की बात करते हैं. अगर हम simple alkyl halides की बात कर रहे हैं, 1 degree, 2 degree, 3 degree alkyl halides और methyl halides, तो उस केस में SN1, SN1 के लिए हमें पता है कि rate depend करता है carbocation intermediate पर. तो carbocation intermediate का reactivity order होता है, stability order होता है 3 degree, 2 degree and 1 degree. अगर मैं carbocation intermediate की stability देखती हूँ, तो 3 degree carbocation more stable, then 2 degree carbocation, then 1 degree carbocation. It means जो 3 degree carbocation containing alkyl halide होगा, it is more reactive in comparison to 2 degree, then 1 degree, and then methyl halide. ओके, बट अगर यही हम SN2 के लिए बात करते हैं, तो SN2 के केस में देखिए, अटैक बैक साइड से, और हमें पता है इन दिस केस रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस. इट मींस जितने ज़्यादा बल्की ग्रुप अटैच्ड होंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी उतना ही लेसर होगा. इट मींस इन दिस केस रिएक्टिविटी ऑर्डर इज 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री. एंड फर्स्टली आई कैन से मिथाइल हैलाइड, then 1 degree halide, then 2 degree halide, and finally 3 degree halide. अभी हमने कोई aromaticity को भी consider नहीं किया, simple alkyl halides के case में reactivity order को measure किया है. तो SN1, इट डिपेंड अपॉन द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी. और अगर हमारे पास और भी आगे एरोमेटिक कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड गिवन है, तो उसमें हम एरोमेटिसिटी भी देखेंगे और ये भी देखेंगे क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है या नहीं है. कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है या नहीं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं. अभी हमने सिंपल एल्काइल हैलाइड्स को कंसिडर किया है. नाउ पी ई ग्राफ, पी ई ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ. आई टेल यू दैट इन केस ऑफ एस एन वन रिएक्शन मैकेनिज्म, दो ट्रांजिशन स्टेट्स बन रही हैं. इन फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट व्हेन बॉन्ड ब्रेकिंग विल टेक्स प्लेस, एंड अनदर ट्रांजिशन स्टेट व्हेन बॉन्ड मेकिंग इज टेक्स प्लेस. तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट के कंपैरिजन में हाई, लाइक दिस. ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, अब इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट एनर्जी विल बी लेसर, एंड देन ट्रांजिशन स्टेट टू, एंड ग्राफ इज लाइक दिस. ट्रांजिशन स्टेट टू, एंड दिस इज द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी. जबकि कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, एंड इट्स एनर्जी इज डेफिनेटली हायर देन द रिएक्टेंट. दिस इज द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, एंड फाइनली प्रोडक्ट इज फॉर्म. दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एंड दिस वन इज ऑफ रिएक्टेंट. तो ये था कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द SN1 एंड SN2, सिंपल सा. अब आप इसे एक बार और पढ़ लें ध्यान से. तो SN1 एंड SN2 के बाद अब हम आगे पढ़ने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, गुड बाय.